आज का लाइफ थोड़ा डिफरेंट तो इसलिए है कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ और मैं अभी जया किशोरी जी के साथ लाइव जा रहा हूँ एंड हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। लेट मी इनवाइट हर, मुझे एक सेकेंड लगेगा उन्हें ऐड करने में। नमस्कार, थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। वैसे तो जया जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पिरिचुअल ऑरेटर एंड अ ग्रेट वन। मैं उनसे मैं काफी इंप्रेस्ड हूं। तो जया जी, आई नो कि आपके पास समय बड़ा कम है, तो मैं सीधा सवाल पे आता हूं। जी, हमारे को हम में से जो बड़े सारे जो पेरेंट्स अभी बने नहीं है, यंग बच्चे, उनकी शादी हुई है, हाउ डू दे नो कि वो पेरेंट बनने के लिए तैयार हैं? आई थिंक फर्स्ट टू जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं पेरेंट बनने के लिए, दैट इज इमोशनली एंड फाइनेंशियली। लाइक यू हैव टू बी श्योर कि आप इमोशनली रेडी है एक नए मेहमान के लिए, एक नए ह्यूमन बीइंग के लिए जो आपके घर में रहेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनली आपको हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बच्चे को संभालना, एक जेनरेशन को रेडी करना। एक्चुअली आई थिंक सबसे बड़ा आर्ट मैं पेरेंटिंग को मानती हूँ, कि आप एक जेनरेशन को तैयार कर रहे हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तुम देश संभालोगे, तो देश संभालना सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होता, हर वे में जो आज की जनरेशन है, हम क्या करते हैं वही फ्यूचर बनेगा। आप किसी भी वे में काम कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट हरकतें बताएगी कि आपका देश, आपकी फैमिली, आपकी सिचुएशंस फ्यूचर में कैसी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, तो यू हैव टू बी रेडी इमोशनली बच्चे के लिए, एंड सेकेंड इज फाइनेंशियली, कि जब आपको लगे कि हाँ जो लाइफ आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं वो लाइफ के लिए आप रेडी हैं, या आप वर्क कर रहे हैं और आपको लगता है कि बेबी आने तक आप उस सिचुएशन में रहेंगे जहां आप अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट करेक्ट टाइम आपको बच्चा प्लान करना चाहिए। जब देखिए फाइनेंशियली रेडी होना तो दिख जाएगा भाई बैंक बैलेंस, इमोशनली व्हेन यू से कि रेडी होना चाहिए, क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे? भाई रोजमर्रा की लाइफ में जो बड़े सारी भावनाएं होती है जिसे हमें पता नहीं कैसे हैंडल करना है, जैसे ग्रीफ हो गया, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, क्या आप इसके बारे में कह रही हैं व्हेन यू से इमोशनली रेडी? मे बी एक्चुअली, क्योंकि ये चीजें अंदर आती है, पर मेरा इमोशनल रेडी का मतलब है क्योंकि यू नो मैरिज और बेबी ये एक टिक मार्क्स हो गए हैं सोसाइटी में आजकल, कि अच्छा अच्छा ये एज हो गया गेट मैरिड, अच्छा अच्छा ये एज हो गया बच्चा हो जाए। नो, आप सिर्फ एक ये टिक मार्क आपके लिस्ट में टू डू लिस्ट नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल शादी, जब शादी की बात आती तो शादी माने ये नहीं कि बस हाँ एज हो गई तो करना है और लाइफ में तो करना ही नहीं। आप शादी का मतलब कि आप एक इंसान के साथ एक ही कमरे में अगले के 40 to 50 or 60 ईयर्स जीने वाले हैं, आप वो दिमाग में रख के चलिए ना। आप जी सकते हैं, आपको पता, आप उसके नीचे को समझ के देख सकते हैं कि हाँ अगले के 50 साल मैं इस एक ही व्यक्ति के साथ एक कमरे में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। वो रेडी होना इमोशनली, कि सिर्फ एक टिक मार्क नहीं है कि शादी है कर लेंगे आगे जाके देखा जाएगा, गो विद द फ्लो, डोंट हैव दिस एटीट्यूड। और वही चीज बच्चे में भी है कि एक एज आ गई, लेट्स स्टार्ट, बच्चा हो गया, आपने कोई प्लानिंग नहीं की आप, क्योंकि मैंने बार बार यही कहा आप एक जनरेशन रेडी कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए रेडी है? क्या आपको पता है कि आपको बच्चे को कैसे रखना है, आपको उसको क्या समझाना है, क्या सिखाना है, किस माहौल में, क्या आप उस माहौल में है? अब जैसे आपने कहा कि मैंने मे भी इसलिए कहा एंगर है या जो भी है, घर का माहौल भी बच्चे को बनाता है। हम हमेशा कहते हैं अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है इसका मतलब उसको घर में बार बार या तो रुलाया जा रहा है या वो किसी को रोते हुए बहुत देखता है। अगर बच्चा बहुत अब्यूज करता है या बहुत अपशब्द कहता है, यानी उसके घर में कोई है जो अपशब्द कह रहा है, या बच्चा बहुत ज्यादा चिल्लाता है तो मतलब कोई है जो बहुत चिल्ला रहा है उसके घर में, वो तो जो देख रहा है वो सीख रहा है। सो यू हैव टू बी रेडी इमोशनली का मतलब यही है कि हर एस्पेक्ट में, कि आपके घर का माहौल क्या है, आप कैसे हैं इमोशनली। अगर आप डिप्रेस्ड है और आप बच्चे को दुनिया में लेकर आते हैं तो क्या वो बच्चा बहुत अच्छा होगा?
कहीं ना कहीं आगे जाके उसमें भी डिप्रेशन की हरकतें दिखने लगेगी, क्योंकि आपने उसी वक्त, कहते हैं ना हर बट लाइक पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि आप उस समय गीता जी पढ़िए या रिलीजियस टेक्स्ट पढ़िए या अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी मूवीज देखे, क्योंकि वो बच्चा पेट के अंदर ही सीख रहा है, तो पेट के अंदर अगर वो इतना सीख रहा है तो बाहर आके कितना सीखेगा। तो उस सेंस में यू हैव टू बी रेडी। तो मतलब जो समस्याएं हैं शादी और बच्चे से पहले सुलझा ले, ना कि जो हमारे देश में पद्धति चली हुई है कि भाई हर समस्या का एक ही निदान, शादी करा दो, बच्चा पैदा कर दो, लड़का लाइन पे आ जाए। थैंक That's wrong. यू। तो उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल है, आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि जो करंटली पेरेंटिंग में कौन से कुछ बड़े मसले हैं, कौन से इश्यूज हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट इज टाइम, आपको बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। आई नो एवरीबडी इज वर्किंग, और कई ऐसी फैमिलीज है जहाँ काम ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको इसलिए मैंने ये भी कहा कि फाइनेंशियली आप रेडी हो, क्योंकि उसके आने के बाद फिर हम फाइनेंस में इतना पीछे पड़ रहे हैं कि आप बच्चे को संस्कार देना ही भूल गए। तो फिर आप करोड़ों रुपए उसके हाथ में पकड़ा के क्या करोगे जब उसको यही नहीं पता उसका करना क्या है, या वो मिलने के बाद अपने आप को संभालना कैसे है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस, जैसा एग्जैक्टली मैंने कहा, इट्स एन आर्ट, पेरेंटिंग एक आर्ट है, उसमें आपको बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ेगी। तो पहला यही है कि आप टाइम दे बच्चे को, उसकी बातें सुने। हम एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप बच्चों की छोटी छोटी बातें नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएंगे। कि आप जब वो छोटा है और आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप वर्किंग या कुछ भी ऐसा, और वो चीज आप शो कर रहे हो बहुत प्रोमिनेंटली कि हाँ नहीं अभी नहीं अभी जाओ, लाइक आप उसको ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट करके उसको अलग कर रहे हो और फिर अपना काम कर रहे हो, आप उसको, क्योंकि आप भी इरिटेटेड है, आप इतना काम कर रहे हैं तो वो इरिटेशन कहीं ना कहीं बच्चे पर भी आ रहा है। सो यू के नॉट डू दैट, क्योंकि उसका मन उस समय बहुत सॉफ्ट है और उसका ब्रेन हद से ज्यादा इंटेलिजेंट है जो बहुत जल्दी चीजों को कैच कर रहा है। तो आप उसके सामने क्या बिहेव कर रहे हैं, उसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितना उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो समझ रहा है, वो देख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो बड़े होने के बाद आपके साथ एक रिलेशन अपना बनाता है या बॉन्ड बनाता है। तो फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज आई थिंक संस्कार, जो सब देना चाहते हैं पर उनको लगता है बड़े होने के बाद देंगे, एंड दैट इज बहुत सिंपल भाषा में वेरी यूजलेस, क्योंकि आप बचपन में ही बच्चे को संस्कार देते हैं। हमें 10, 12, 11 की पढ़ाई है इतना याद नहीं है, पर आज भी हमें ABCD याद है, हमें अपने बचपन की पोएम्स याद है, क्योंकि उस वक्त जो चीजें सिखाई जाती है वो कभी नहीं भूलता है बच्चा। तो आप बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कईयों को देखा है कि एक बच्चा किसी चीज की जिद करे और वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कह देंगे कि जस्ट वो चुप हो जाए, कि बच्चा कहेंगे अरे उसको दिला दो वरना वो रोने लग जाएगा। अब वो बच्चे के दिमाग में तो कहीं ना कहीं बैठ गया कि मेरी कोई चीज अगर मुझे मनवानी है तो मुझे रोना पड़ेगा। तो कई बार आप देखेंगे बच्चे के आंसू नहीं निकलते पर वो रोता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उसे सही गलत नहीं पता। आप जो बोल रहे हैं वही वो सीख रहा है, वो जो देख रहा है वही वो सीख रहा है। तो आप बचपन में ही अपनी भाषा, अपने शब्दों का इस्तेमाल समझ कर करिए। हम कथाओं में भी कहते हैं कि बच्चों को जल्दी से लाया नहीं जाता, उनको पता ही नहीं है कथा कैसी है, पर उनके पेरेंट्स ही घर में अगर उनको लाने की बात कहे तो कहते हैं अरे वो तो बोर हो जाएगा। अरे उसने सुनी ही नहीं कथा, उसको क्या पता वो बोर होगा कि नहीं, पर तुमने अभी से दिमाग में डाल दिया, अब वो जिंदगी भर नहीं सुनेगा। अब उसको लगेगा कथा जाने का मतलब होता है बोर हो जाएंगे, वहां तो बोरिंग बातें होती है। अब आपने मजाक में या हड़बड़ाहट में कह दिया पर वो उसके दिमाग में बैठ गया। सो बी वेरी केयरफुल कि आप बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हैं, उसको कैसे संस्कार दे रहे हैं और किस एज में दे रहे हैं, क्योंकि आज की जेनरेशन बड़े होने के बाद वो आपको समझदार नहीं समझते, वो खुद बहुत समझदार है। उनको लगता है आप उनको समझेंगे नहीं, आप उनकी जनरेशन के नहीं है, आपका समय अलग है, उनका समय अलग है, पर संस्कार एक ही होते हैं कोई भी समय हो। सच बोलना है तो वो जिंदगी भर कितनी भी जनरेशन आ जाए सच बोलना पड़ेगा, काइंड रहना है तो कितनी भी जनरेशन आ जाए काइंड रहना पड़ेगा। तो ये चीजें कभी चेंज नहीं होती। सो अंडरस्टैंड, जब बच्चा बहुत छोटा है
तब उसको संस्कार दीजिए, बड़े होकर तो उसके दोस्त बन जाइए, तब आप स्ट्रिक्ट मत होइए, उसको संस्कार देने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो नहीं लेगा। ये दो चीजें मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वक्त और संस्कार। एग्जैक्टली। तो अब जैसे हम बच्चे को वक्त भी देंगे और मतलब हम उसको अपनी अटेंशन भी देंगे, तो एक नेचुरल सा हमारा एक सिस्टम है कि हम उससे एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, हमारी उससे अपेक्षाएं हो जाएंगी। और मुझे लगता है कहीं पे आगे जाके प्रॉब्लम बन जाता है जब हमारी बच्चों से अपेक्षा होती है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम उन्हें दें पर उनसे कुछ अपेक्षा ना रखें? देखिए, इन टोटल अपेक्षाएं हटाना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसकी उम्मीदें नहीं हो, फिर तो आप संत बन गए, आप तो भगवान के सच्चे एकदम ही जैसे नरसिंह भगत हुए या मीराबाई हुई वैसे भक्त बन गए, जो हर कोई नहीं है। तो ये तो इंसानों का स्वभाव है कि थोड़ा बहुत, और ये बच्चे भी करते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से रखते हैं, भले ही आप हर बात, फॉर एग्जाम्पल मैंने कई नॉर्मल बच्चों को देखा है कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, और कुछ टाइम बाद यू वॉन्ट कि आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चले, लेकिन पैसे पूरे पेरेंट्स दे, उनकी आप एक बात नहीं मानेंगे पर खर्चा पूरा उनको ही उठाना है। अगर कहते ना कि दोनों तरफा है, आप एक इंसान को सेल्फलेस होने नहीं बोल सकते और दूसरा सेल्फिश हो, ये नहीं चल सकता, लाइक बोथ द वेज रिश्ता। फिर तो दोनों ही सेल्फलेस होने चाहिए कि हाँ आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं भी आपकी कुछ बातें मानूंगा। तो मैं दोनों को एक ही बात कहती हूँ कि अगर रिश्ता निभाना है तो दोनों को एक एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कोई भी एक तरफ से रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। अगर पेरेंट्स को हम कह रहे हैं कि बच्चे की बातों को समझिए, बच्चों को अपना मन का करने दीजिए, तो कहीं कहीं पेरेंट्स को भी झुकना पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इतनी फर्क नहीं पड़ रही, पर अगर पेरेंट्स को खुशी दे रही है, डू दैट, कोई बात नहीं। अगर आपके लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट नहीं दे रहा तो आप उनको खुश कर, क्योंकि आपको खुश करने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आज मैं अगर इतनी बातें कर रही हूँ यहाँ पर, या मैं यहाँ बैठी हूँ और आपने मुझे इनवाइट किया है, आई थिंक उसका 90% श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि वो उनके तो उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। और अगर मैं ये कह दूं कि वो तो उनका फर्ज था, आप पेरेंट्स है, दैट इज वेरी सेल्फिश। तो आप दोनों को, दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कभी पेरेंट्स झुक गए, कभी बच्चे झुक गए, तो अपने आप रिश्ता बनेगा। अगर एक ही काम करता रहेगा और दूसरा सोचेगा कि नहीं अब आपने पैदा किया तो करना तो पड़ेगा, तो वो रिश्ता नहीं बनेगा, वो बॉन्ड नहीं रहेगा। तो दोनों थोड़ा बहुत साथ चलिए, कभी कोई झुक गया, कभी कोई उठ गया, कभी कोई झुक गया, वैसे आपका रिश्ता एक बैलेंस के साथ चलता रहेगा। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जी भाई, मुझे पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए मेरी माँ ने सारी जिंदगी टीचरी करी। अब उनकी उम्मीदें थी कि भाई मैं उनके साथ, जब वो बड़ी हो गई, कि उनके साथ ही बैठा रहूँ। मैं कहा भाई देखो माँ, मैं आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाऊंगा, पर मेरी कॉलिंग है, मुझे तो गौ सेवा करनी है, मुझे जानवरों की मदद करनी है, मैंने हिमाचल जाके ये खोलना है। और मैंने खोला, उनकी एक्सपेक्टेशन को लेट डाउन किया, ठीक है, मुझे पता है बड़ी मुश्किल हुई, उन्हें भी बड़ी मुश्किल हुई। अब मुझे है कि मैं कल को बच्चा अडॉप्ट करूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं उस बच्चे से कुछ भी उम्मीद रखूं जैसी मेरी माँ को मुझसे थी। तो मुझे अपनी डेली लाइफ में, मैं अपने आप को कैसे याद दिलाऊं कि हाँ मैं इसको पाल पोस तो रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे, अंततः इसकी अपनी एक जिंदगी है, मैं कैसे ना भूल जाऊं, ये मैं जानना चाहता हूं एज अ पेरेंट। देखिए, आपने जो बात कही, आई डोंट थिंक इस जनरेशन में वो इतनी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी पीपल आर वर्किंग, लड़का हो या लड़की। पहले के पेरेंट्स को अगर आप देखते हैं तो हर कोई काम नहीं कर रहा था, तो उनके लिए एक एज के बाद उनके एक्सपेक्टेशन बच्चे से ही थी, और हम वो चीज सीख रहे हैं। शायद ये भी एक रीजन है आज के बच्चों का कि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर किड्स, कि आपकी अपनी एक लाइफ है, सब कुछ है। क्योंकि हम एक बात नहीं, वो उसी जनरेशन से आए हैं, उनकी सोच वही है, हमारी नहीं है। वो चेंज अपने आप आ जाएगा, हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसा कहा कि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, आपको पता है क्योंकि आपने वो चीज देखी, आपको चेंज लगा, तो आप वो अपने रिश्ते में लागू करेंगे। तो वही है कि आप रिश्तों से सीखते हैं।
अब कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे मतलब रेडी होंगे इस चीज के लिए कि ठीक है यू कम विथ मी या आई स्टे हियर, वो उनका कॉल हुआ। तो आपको यही समझना है कि आप जो चीजें आपको अपने पेरेंट्स की सही नहीं लगी, यू वोंट रिपीट दैट विथ योर किड्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, और ये चीज तो जैसा आपने कहा कि वो एक्सपेक्टेशन के अंदर नहीं आती, रादर आई वुड से कि आप पूरी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं या अपने सपने उन पर डालते हैं। डोंट डू दैट। वो किसी भी चीज में, पढ़ाई करियर की चीज में हो, जिंदगी के चीज में हो, शादी की चीज में हो, कि आप पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत करिए। आप दोनों, मैंने दोनों तरफा इसलिए कहा कि दोनों बात करें। अगर आपके पेरेंट है वो भी बताए कि मेरी इच्छा ये है, वो बताए मेरी इच्छा ये है, दोनों की इच्छाएं बांध के लास्ट में जो सोल्यूशन निकले, दैट्स इट। और फिर लास्ट में कभी कभार देखिए होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग ए गुड वर्क, कई बार हम अच्छे रास्तों पर जाते हैं, कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो बट अंत में आपका इंटेंशन अच्छा है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, तो इट्स ओके। कहीं ना कहीं उनको शायद थोड़ा टाइम लगे समझने में, किसी भी पेरेंट को, मैं लाइक पर्टिकुलरली आपके, किसी भी पेरेंट को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। करियर वाइज भी मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमें ये करना है, पेरेंट्स मान नहीं रहे। मैं कहती हूँ कि हो सकता है उनको अभी के टाइम पे वो चीज इतनी अच्छी नहीं लग रही। यू डू दैट नो, उनको आप सक्सेसफुल होकर दिखाओ, तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो गलत थे। तो आप उतने विश्वास के साथ अपना काम करिए और उसमें पूरी तरीके से सफल होइए, उनको समझ आ जाएगा कि वो गलत थे। क्योंकि लड़ने से तो कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जस्ट डू दैट एंड शो कि मैं सही हूं, और मेरे सही होने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, पर मैं सही हूं, तो करके दिखाइए वो चीज। और आपको क्या लगता है कि बच्चों का क्या दायित्व है माता पिता के प्रति, कि भाई वो सिर्फ उनकी आर्थिक जिम्मेदारी उठाएं, उनकी मेडिकल नीड्स की टेक केयर करें, या साथ ही साथ वो उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करें कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, माँ चाहती है, तो क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं शादी करूं? नहीं करना चाहता तब तो नहीं, क्योंकि एक की अपेक्षा पूरा करने के लिए आपने किसी और के सपने तोड़ दिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप तो करना चाहते ही नहीं है। आज एक लड़की ये लड़का लड़की दोनों के लिए आई थिंक होगा कि कोई भी एक इंसान बहुत सपने बनाते हैं शादी के लिए या परिवार के लिए या अपने आगे की लाइफ के लिए, और अगर वो बड़ा काम आप बिना मन से कर रहे हैं, सिर्फ किसी और के मन को खुश करने के लिए, आप उसको कभी अच्छे से नहीं कर सकते। मैं आई थिंक मुझे याद है लास्ट मैंने जब एक सेशन किया था, तब एक पेरेंट आए थे अपने बेटी को लेकर के उसको शादी नहीं करनी, तो आप समझाइए कि वो करे। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि आई थिंक उन बेटी ने किसी और से बातें की थी, तो उनको लग रहा था कि वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर कर रही है। तो मैंने दोनों को ही समझाया कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंस में आके कर रही है तो अब तो आप दो बार सोचिए, जिंदगी आपकी है, कोई और क्या बोलता है मायने नहीं रखता। लेकिन मैंने पेरेंट डैड को भी उतना ही समझाया कि आप कुछ समय के हैं, हम सभी कहते हैं ना कि पेरेंट्स कुछ समय बाद वो कहते हैं हम जब तक है तब तक कर लो, लेकिन उसके बाद आप जब तक है तब तक आपको खुश करने के लिए कर लिया, उसके बाद उसके लिए तो वो बोझ है, क्योंकि जिसको खुश करना था वो तो अब है नहीं, अब वो उस रिश्ते का क्या करेंगे, क्यों उसको पाल के रखें। तो किसी दूसरे के साथ तो गलत हो गया और उस बंदे के साथ भी अपनी जिंदगी में गलत हो गया। तो ये बात तो अगर मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है। आप रूडली नहीं, बहुत ही पोलाइटली बट फॉर्मली इस बात पर अड़े रहिए, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। और अगर ये चीज बहुत बड़ी है, छोटी, जैसा मैंने कहा छोटी छोटी बातें जो आपकी लाइफ पे इतना इफेक्ट नहीं करेगी वो आप जरूर करिए उनकी खुशी के लिए, लेकिन अगर जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है और आपकी आपकी लाइफ को एक ऐसे और ले जा सकती है जो आपको पसंद ही नहीं है, तब मत करिए, क्योंकि फिर वो उनके जाने के बाद एक बोझ हो जाएगा आपकी जिंदगी में। खासकर बच्चे पैदा करना, तो आपको आपको लगता है कहीं पे हमारे जो पेरेंट्स हैं शायद उन्होंने खुश रहना काफी पेरेंट्स ने कभी सीखा नहीं, ना उनको स्कूल में सिखाया गया, ना उन्हें कभी मौका मिला, ना टीवी में किसी ने बताया।
और उन्हें खुश रहना नहीं आता, और जो उनको नियरेस्ट प्रॉब्लम दिखती है वो बच्चों के साथ दिखती है कि भाई अगर तू इंजीनियर बन जाता तो मैं खुश होता, अगर तेरी शादी हो जाती मैं खुश हो जाता। यू थिंक कि इज दैट्स अ प्रॉब्लम कि उन्हें खुश रहना नहीं आता और वो कमियां हमारे में ढूंढते हैं? नॉट रियली, आई थिंक उनको खुशी उनकी उनके बच्चों से ही है. ये चीज आज के जनरेशन में चेंज हो चुकी है कि हमारे लिए हमारी भी अलग खुशी है. लाइक यू नो, वी हैव शादी के बाद भी यू हैव टू हैव दिस अपना पर्सनल टाइम और मेरा स्पेस. वो बच्चे के बाद भी है कि नहीं, काम तो करना है, अपनी खुशियां तो देखनी है. लेकिन पहले के जो पेरेंट्स हैं या हमसे जो पहले जनरेशन है, उनके लिए आई थिंक शादी से पहले उनके पेरेंट्स सब कुछ है, शादी के बाद उनका परिवार सब कुछ है. कि आप उन्हीं के लिए जी रहे हैं, आप उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं. और अगर आप किसी के लिए इतना कुछ करेंगे और आप अपने सारे सपने सैक्रिफाइस कर देंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है, लाइक इट्स नॉट ईजी. बट हाँ, ये भी नहीं है कि इस बात को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके आई वुड वॉन्ट कि हर कोई ये करे. नहीं, आपको अपने सपने सैक्रिफाइस नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट आपके मन में हमेशा रह जाता है जो नहीं रहना चाहिए. मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि डेथ बेड पे आपके मन में कोई ऐसे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि काश मैंने वो कर लिया होता, डू दैट. लेकिन हमारे जो हमारी पहली जनरेशन है, उन्होंने वो नहीं सीखा. उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है और उनकी खुशी में ही सब कुछ है. वो जो करेंगे, मतलब फिर वो उसी चीजों में. तो इंजीनियरिंग मेरा मन था, मैं नहीं कर सकता, यू डू दैट. अच्छा, ये मेरा मन था, मैं नहीं कर सकता, यू डू दैट. क्योंकि वो अपनी खुशियां भी फिर आपके ऊपर. तो ये आई थिंक कोट मैंने पढ़ा था कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं, ना आपके पति की, ना आपकी पत्नी की. जी, लेकिन वही मैं कह रही कि वो जनरेशन ने वो चीज नहीं समझी है. उनके लिए खुशी यानी कि सिर्फ आप सब. कई पेरेंट्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए ये मैं कहती हूँ ना, दो तरफा बातें हैं. कि एक तरफ है कि वो सोचते हैं कि आपकी खुशी उनकी खुशी है, आप खुश है तो वो खुश है, आप जो कर रहे हैं. लेकिन कई ऐसे जो उस चीज खुशी के दौरान समझ नहीं पाते कि इनडायरेक्टली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल रहे हैं कि यू हैव टू मेक देम हैप्पी, एंड दैट इज नॉट करेक्ट. कि आपको और कोई खुश नहीं कर सकता, आपको सिर्फ आप ही खुश कर सकते हैं. और अगर आप खुश नहीं है तो आपको कोई खुश नहीं कर सकता, और आपको सब दुखी ही लगेंगे कि कहीं ना कहीं आप दुखी हैं. तो आप पहले खुद को खुश करिए. मैं कहती हूँ ना, आप अकेले खुश नहीं है इसका मतलब आप में कोई तकलीफ है, क्योंकि आप तो अपने साथ है ना. कई लोग कहते हैं हम अकेले नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? इसका मतलब आप अपने आप अपने साथ ही नहीं रह सकते. तो आप में ही कोई कमी है, उसको ठीक करिए. फिर सबसे ज्यादा व्यक्ति खुशी अकेले रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने थॉट्स के साथ है, अपनी बातों के साथ है, अपने सपनों के साथ है. और आप उसी में खुश नहीं है, फिर तो आप किसी के साथ, पूरी भीड़ के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आप अकेले खुश नहीं है. तो ये जो अपेक्षाओं का कुआं है ना, मुझे लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि अब बच्चे भी समझना शुरू हो गए हैं कि भाई मैं इंजीनियर बन भी गया तो ये कहेंगे शादी कर लो, शादी कर भी नहीं कहेंगे बच्चे कर लो, बच्चे कर लिए तो कहेंगे बच्चों की शादी करा दो। कुछ तो ये हो नहीं रहे, पर फिर भी ना, फिर भी वो गिल्ट की वजह से उन्हें पता है कि ना ये खुश होंगे और ना हम खुश रह पाएंगे, फिर भी गिल्ट की वजह से वो उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि बच्चे गिल्ट से कैसे उभरे? क्योंकि मैं नेशन बिल्डिंग की बात करूं तो मुझे लगता है बहुत सारी यूथ जो है जब तक गिल्ट से बाहर नहीं आएगी वो नेशन कहां बिल्ड करे। गिल्ट एज इन की मतलब वो उनके सपने पूरे नहीं कर पा रहे. एग्जैक्टली. जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट इंटेंशन उनका यही है कि आप खुश रहें. जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करती. कुछ इधर उधर बातें हो सकती है एक्सेप्शंस में, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स यही चाहते हैं कि आप खुश रहे. हाँ, उनको ये लग सकता है कि वो जो आपको बातें बोल रहे हैं या जो करने बोल रहे हैं उससे ही आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, और आप जो करना चाहते हैं उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, जो गलत है. लेकिन उनको उनका इंटेंशन यही होता है कि आप खुश रहे. तो मैं यही मानती हूं कि अगर आप किसी बात को लेकर श्योर है अपनी जिंदगी में, नो मैटर वॉट, करियर, योर चॉइसेस, मैरिज, किड्स, एनीथिंग, अगर आप श्योर है तो
तो आप वो ही काम करिए, क्योंकि आप करके भी अगर उनको खुश नहीं कर पा रहे हैं तो वो गिल्ट रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मैंने कैसा कहा, आपकी खुशी आपके हाथ में है, अगर आप अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप खुश हैं, और अगर आप अंदर से खुश हैं तो बाहर खुश कर देंगे आप लोगों को। कैसे करेंगे वो देखिए, वो सल्यूशन जैसे जैसे सिचुएशंस, पर अगर आप अंदर खुश हैं आप बाहर खुश कर लेंगे, आप समझा देंगे। पर करिए वो ही जिसके लिए आप श्योर है कि मुझे ये करना है, मेरी जिंदगी में यही चीज मुझे आगे लेकर जाएगी और मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूं। डू दैट। आई थिंक यही चीज है जो वो गिल्ट से आपको बाहर ला सकती है, क्योंकि मुझे गिल्ट से ज्यादा वो रिग्रेट लगता है वो हमें, क्योंकि हमने अपना तो किया नहीं, अपने मन का हमने किया नहीं, हमने किसी और के मन का किया, और उसके बाद भी अगर उनको उस चीज में खुशी नहीं मिली तो वो गिल्ट से कहीं ज्यादा एक रिग्रेट होता है जो समझ नहीं पाते हम, क्योंकि करना आपको कुछ और था, अंदर से आप बिल्कुल खुश नहीं है, तो आपको बाहर कैसे वो खुशी मिल सकती है। बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि पेरेंट्स के लिए या मॉम के लिए स्पेशली, कि आप सोचते बच्चा आ गया अब तो मैं काम छोड़ दूंगी, अरे नहीं, बच्चे को सब सैक्रिफाइस, आपको क्या लगता है सैक्रिफाइस करने के बाद आप अच्छे हो गए? अगर आप सैक्रिफाइस करने के बाद उस गिल्ट में रहेंगे, रिग्रेट में रहेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, फिर वो बच्चा भी वैसा ही है। तो आप सीख तो बच्चे को यही दे रहे हैं, वो सीख तो गलत ही है कि तुम अपने सपने छोड़ दो, अपने सपने सैक्रिफाइस कर दो, तो ये नहीं करना है। आप वो करिए जिसको लेकर आप 100% श्योर है, जो आपको खुशी देगा, और देखिए आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे वो चीज। मैंने कई बच्चों को देखा है करियर वाइज जो पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं पर बच्चे ने कुछ और किया, लेकिन अगर वो जब उसको सही तरीके से कर रहा है और बच्चा खुश है, कुछ टाइम बाद पेरेंट्स को समझ आ गया। क्योंकि जब आप तुरंत बातें करते हैं, देखिए दो ईगो एक साथ क्लैश करते हैं, आप एक साथ दोनों को खुश एक टाइम पे नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है वो जिस जनरेशन से आ रहे हैं उसमें हमारे, हम जो कर रहे हैं वो बहुत नई चीजें हैं, और आप किसी को भी एक ग्लास गर्म दूध देकर ये नहीं बोल सकते पूरा एक बार में पी जाओ, हो ही नहीं सकता। सो यू हैव टू गिव देम टाइम चेंज होने के लिए। उन्होंने 50 साल ऐसे ही जिए हैं और हम बाकी के अब साल बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो चेंज हो भाई, समय चेंज हो गया है। इट विल टेक टाइम, चेंज होंगे, चेंज होना भी चाहिए क्योंकि दैट इज करेक्ट, बट उसको समय लगेगा। तो वो समय दीजिए, और वो देंगे तभी आप जब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आप खुश हैं। अगर आप खुश है तो आप कहेंगे ना कि वो आई थिंक 3 इडियट्स वाली बात है कि छोटा काम है पर मैं खुश रहूंगा, तो वो आपकी खुशी देखकर उसी समझ जाएंगे कि वो खुश है। ठीक है, हमारी बात नहीं माना लेकिन अपनी बात मान के वो खुश है। और आई थिंक हर अच्छे पेरेंट के मन में यही है कि आप लास्ट में खुश रहिए, आप जैसे भी रहे, जिस भी स्थिति में, करियर वाइज कहीं भी, आप खुश रहिए। मैंने आपसे कहा था ये आखिरी सवाल है, पर मेरे दिमाग में एक और बात आई, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। जरूर जरूर। आपने दूध के गिलास की बात करी, तो अब देखिए बड़े सारे पेरेंट्स जानते हैं कि भाई एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं हार्मफुल हैं, चाहे वो डेयरी है या मीट। तो अगर जैसे पेरेंट्स समझ जाते हैं तो क्या अपने बच्चों को अगर वो वेजिटेरियन या वीगन बनाते हैं तो आपको लगता है क्या ये चॉइसेस थोपना माना जाएगा या ये संस्कार देने के तहत आएगा? आप एक बार रिपीट करें। जैसे कि मान लीजिए मैं एज अ पेरेंट मैं समझ गया कि भाई मीट की वजह से इतनी क्रुएलिटी हो, मैं समझ गया एज एन इंसान, मैं समझ गया कि अरे यार धूप के पीछे मुझे नहीं पता था गाय स्लॉटर, ये तो मैं नहीं करा। अब यही वैल्यूज मैं अपने बच्चों को देता हूँ तो इसको क्या माना जाएगा कि मैंने अपनी आइडियोलॉजी उन पर थोप दी, या ये माना जाएगा कि मैंने उनको अच्छे संस्कार दिए? अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि आप देखिए थोपने का मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधे सीधे कि मैं बच्चे तक तो दूर जाऊं, मेरी बहन वीगन है, मैं अभी तक नहीं हूं, बट ऑब्वियसली मैं वेजिटेरियन हूं पर वीगन नहीं हूं, लेकिन वो बीच बीच में मुझे चीजें बताती रहती है। अब वो मुझे ये नहीं बोल रही कि वीगन हो जाओ कि होना पड़ेगा, वो मुझे सिर्फ बता रही है कि ये हुआ, अच्छा हनी से ये होता है, दूध से ये होता है, ओके हाँ। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी वो थोप रही है, पर वो मुझे एडुकेट कर रही है कि सही क्या है। तो आप अपने बच्चे को एडुकेट कर रहे हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो, मैं तुमको थोप नहीं रहा कि ये मत करो या ये करो,
मैं तुमको बता रहा हूं कि जो कर रहे हो ये गलत है। क्यों गलत है? इसके रीजंस ये हैं। अब तुम समझदार हो, क्योंकि आप बच्ची को एकदम बचपन में तो बताएंगे नहीं। बचपन में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको रियल में संस्कार देने हैं कि आप उनको एनिमल्स के साथ रख सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि वो भी जीव है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती है, उनमें भी फीलिंग्स होती है, सब कुछ होता है, ये हम जानते हैं। और अगर श्रीमद् भागवत कर रहे हैं तो गौ माता की तो और ज्यादा बातें करते हैं। और अगर गौ माता की बात हो रही तो मैं तो हर किसी के लिए कहूँ कि एनिमल्स जीव है, जैसे हम है वो है। वो बोल नहीं सकते इसलिए कम पावरफुल हो गए, हम बोल सकते हैं और दिमाग है, सब कुछ है, तो हम ज्यादा पावरफुल हो गए। बट दैट डज नॉट मीन कि उनको जीने का हक नहीं है। तो ये बात मैं भी मानती हूँ। तो समझाना जरूरी है, उसको थोपना नहीं कहते। हम अच्छी बातें कह रहे हैं, फिर तो फिर वही बात है कि हर पेरेंट थोप ही रहा है कि सच बोलो सच बोलो। आप थोप क्यों रहे? सच बोलो, मुझे तो झूठ बोलना है। ये जो भी बात कहे कि ये बातें आपकी आइडियोलॉजी थोपनी हुई, तो थोड़ा सा तो उन बातों को इग्नोर किया जाए, क्योंकि आप अच्छे संस्कार दे रहे। जैसे एक बात है कि सच बोलना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, सही रास्ते पर होना चाहिए, वो भी ये भी यही है। काइंडनेस का मतलब क्या है? आज हम जब धर्म की बातें करते हैं कि सब कहीं ना कहीं अपने परिवारों में रिलीजियस है एक वे में, इंडिया में तो स्पेशली ज्यादातर लोग हैं, लेकिन रिलीजियस होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप थोड़ा भजन कीर्तन में चले गए। आपने क्या बातें समझी कि धर्म के कई लक्षण है, उसमें से एक लक्षण दया है, कि दया नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं रिलीजियस होके जब आप में दया ही नहीं है? चाहे आपकी चीजों में, आपके सामानों में, आपके प्रोडक्ट्स में, अगर कहीं ना कहीं किसी और जीव को तकलीफ हो रही है तो दया तो नहीं है ना। तो ये आई थिंक होना ही चाहिए, और मेरा भी बहुत मन है, बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि मैं उसको हैंडल कर पाऊंगी नहीं, कि वीगन होना चाहिए। मेरी बहन है और मुझे नहीं लगता उसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो और वो कहती है कि ये प्यार की बात नहीं है, कि आपको जानवरों से प्यार है तो आप करेंगे। ये एक इंसानियत की बात है कि जैसे तुम्हें कहीं चोट लगे तो तुम्हें दर्द होता है, ऐसे उनको भी उतना ही दर्द होता है। लेकिन सिर्फ आपकी इच्छाओं को या आपके टेस्ट को पूरा करने के लिए आप किसी और को सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, तो ये तो इंसानियत ही नहीं है। और फिर जो कह दे कि हाँ हम ठीक है, इंसान नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या कहा जाए? तो ये आइडियोलॉजी थोपनी नहीं है, संस्कार देना है, और बहुत अच्छे संस्कार देने हैं। थैंक यू। ऑन दैट नोट मैं आपको जाने दूंगा। वैसे आपकी बातें मैं सारा दिन बैठ के सुन सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।